दोस्तों, मैं गोविंद माली एक बार फिर आप सभी का लड़त जानकारी के साथ में मेरे यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकारी कॉलेज में एमए, एमकॉम, एमएससी के लिए जो रेगुलर एडमिशन फॉर्म भरे जाते हैं उसके आवेदन फॉर्म शुरू हो गए, लेकिन गाइज इसकी अंतिम डेट क्या रहेगी, आवेदन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने जरूरी होते हैं, वाजिक स्टूडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आपको सबसे पहले मैं इसके डॉक्यूमेंट बता रहा हूं और उसके बाद में जो अंतिम डेट है वो आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सरकारी कॉलेज में एमए, एमकॉम और एमएससी के लिए जो डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रहेगा आपकी एसएसओ आईडी बनी हुई होनी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में जन आधार कार्ड में आपका नाम, पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ एकदम करेक्ट होना जरूरी है, जो 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आधार कार्ड में भी आपका नाम और पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ एकदम 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार होना जरूरी है। उसके साथ में आपका कैटेगरी प्रमाण पत्र, जैसे कि SC ST EWS OBC MBC, जो भी जिस कैटेगरी से है उसका प्रमाण पत्र आपको अटेस्ट करना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद में जो पांचवें नंबर पर जो डॉक्यूमेंट है, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन लेवल जो यूजी यानी कि यूजी के जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की जो मार्कशीट है वो आपको अटेस्ट करनी जरूरी होती है, यानी कि आपके बीए और बीएससी या एम क्या कहते हैं बीए बीएससी और बीकॉम की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल की मार्कशीट लाना जरूरी होता है। उसके साथ में आपका एक नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक डायरी और अन्य जो डॉक्यूमेंट आपके लागू हो, जैसे कि एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया, विकलांग प्रमाण पत्र हो गया या स्काउट का हो गया, ये डॉक्यूमेंट यदि आप इसमें प्राथमिकता रखते हैं तो आपको अटेस्ट करना जरूरी होता है, ठीक है। ये है डॉक्यूमेंट, इन डॉक्यूमेंट के साथ में आप एमए, एमकॉम और एमएससी का रेगुलर एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। अब आपका इसका जो शेड्यूल है वो आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कार्य विवरण, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना प्रारंभ होने की तिथि है 28 अगस्त 2024, यानी कि इसके आवेदन फॉर्म है वो 28 अगस्त 2024 से शुरू हो गए हैं। आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम डेट रहेगी 11/9/2024, यानी कि 11 सितंबर 2024 को, ठीक है। महाविद्यालय द्वारा आवेदन पत्र के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि 14/9/2024, अंतिम वरीयता यानी कि जो वेटिंग लिस्ट और जो अंतिम वरीयता सूची है उसका जो प्रकाशन किया जाएगा 17/9/2024, यानी कि जो वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी और जो मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी वो 17 सितंबर 2024 को, ठीक है। उसके बाद में अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रमाण पत्रों की जांच करवाने की अंतिम तिथि है 21/9/2024 तक आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और उसके बाद में जो ई मित्र द्वारा शुल्क भराई जाती है यानी कि जमा कराई जाती है उसकी जो अंतिम डेट रहेगी 23/9/2024, ठीक है। उसके बाद में प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची यानी कि जिनका एडमिशन हुआ लास्ट में, जो एडमिशन जो सूची है यानी कि मेरिट लिस्ट है वो आपको 25/9/2024 को बताई जाएगी, ठीक है। इन डॉक्यूमेंट के साथ में, इन डेट्स के साथ में आप एमए, एमकॉम और जो एमएससी का जो रेगुलर एडमिशन फॉर्म है वो आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही इस शेड्यूल में संशोधन किया जाएगा तो आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुझे थोड़ा सपोर्ट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।